संत निरंकार मिशन द्वारा स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत करीब 150 सेवादारों ने मां गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की दिशा में सफाई अभियान चलाया। आने वाले श्रद्धालुओं में जागरूकता की अलख जगाने की दिशा में गंगा के घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सेवा भाव के साथ सेवा कर रहे सेवादारों ने गंगा घाटों पर जमी हुई गंदगी को खोद कर बाहर निकाला और उचित स्थान तक पहुंचाया। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में संत निरंकारी मिशन द्वारा रविवार की सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसके एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य हैं। सेवादार संयोजक राजू कुमार ने बताया कि यह अभियान हर वर्ष चलाया जाता है। जरूरत पड़ने पर सेवादार समय समय पर आकर ब्रजघाट और गंगा की सफाई करते हैं। रविवार के दिन देश के 1137 स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम है जी, हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक प्रेरणा ली थी कि इस कार्यक्रम को जब जल स्वच्छ होता है मन स्वच्छ भी रखना होता है, क्योंकि ये गंदगी जब अंदर भी गंदगी बाहर भी गंदगी, गंदगी पसंद नहीं है। तो इसलिए बाबा जी का प्रण है ये कि हम अंदर से भी स्वच्छ रहें। और ये हर साल होता है जी अभियान, और अगर बीच बीच में जरूरत पड़ती है किसी को भी तो हम तैयार रहते हैं, हमें हमेशा सफाई के लिए ये प्रयास किया है। लेकिन आगे से जैसे भी आप बताएंगे वैसे तैयार हैं, लेकिन हम लोग इसी जी हाँ जी हमें एहसास है, इस बात का मालूम है कि ये जैसे हम आज ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जैसे आज कार्यक्रम चल रहा है तो हम प्रेरणा दे रहे हैं ये इस प्रकार की प्रभु की कृपा से कि ये सफाई अभियान और ये लोग भी एक देख करके हम प्रेरणा लें। 1100 से अधिक स्थान 1137 स्थानों पर ये आज का कार्यक्रम है। सेवादार अंशुल ने बताया कि संत निरंकारी मिशन स्वच्छ जल स्वच्छ मन का संदेश लोगों तक पहुंचा रहा है। हम यहाँ पर स्वच्छ जल स्वच्छ मन मतलब यहाँ पर सफाई का काम करने मतलब सेवा करने के लिए हमारी निरंकारी लगभग 150 के आसपास की अभी तक हमने मतलब हाफ तो कर ही लिया है। हम यहाँ पर यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छ मन और स्वच्छ जल होना चाहिए, सफाई का मतलब कहीं पर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, हमेशा सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर हम गंगा के पास आए हैं तो गंगा हमें साफ रखती है तो हम भी साफ ही होना चाहिए। इस दौरान बैनर होर्डिंग्स नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से भी संत निरंकारी मिशन जल संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और जीवन में जल के महत्व को समझा रहा है। संत निरंकारी मिशन की यह योजना पर्यावरण संतुलन प्रकृति की सुंदरता और स्वच्छता के लिए किया गया, जिसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं।